हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दो नए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें एक में लास्ट डेट 15 जुलाई 2024 है और दूसरे की लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई 2024 है। KGVB शिक्षक भर्ती नया एडवर्टीजमेंट है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, बिना फीस के आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, दोनों ही विज्ञापन में सारी चीज़ें समझेंगे। लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दी, लास्ट डेट जो है भागवत KGVB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी, लास्ट डेट इसमें 15 जुलाई है। और जो दूसरा विज्ञापन है उसमें लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई 2024 है, बिना फीस के जो है आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये फिरोजाबाद की वैकेंसी है और दूसरी वैकेंसी जो है वो भागवत डिस्ट्रिक्ट से है। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं बागवा डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी है, सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट जो है साइंस टीचर की वैकेंसी है पूर्णकालिक में, और ये जो है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, और ये जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। 24,200 इसमें सैलरी रखी गई है। उसके बाद अंशकालिक शिक्षिका, ये भी अनुसूचित जाति के लिए है, इसमें 12,181 जो है सैलरी रहेगी। उर्दू शिक्षिका, हिंदी शिक्षिका, मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, कोई भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। उर्दू शिक्षिका की सैलरी जो है 16,408 है। उसके बाद जो है हिंदी टीचर पूर्णकालिक शिक्षिका की है 24,200। तो इसमें जो है पूर्णकालिक में हिंदी सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर जो है वो अंशकालिक हैं, उर्दू टीचर अंशकालिक है, ठीक है। महिला अभ्यर्थी ही जो है इसमें आवेदन कर सकती हैं। जैसे जैसे वैकेंसी के नोटिफिकेशन आते रहेंगे आप लोगों तक सूचना पहुंचाते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। कंप्यूटर टीचर के लिए जो है आप क्वालिफिकेशन देखें, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, BEd या इसके समकक्ष LT आपने किया है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर शिक्षण के लिए PGDCA वाले, BCA वाले, BSc कंप्यूटर साइंस, स्नातक, DO, ESCC या इसके समकक्ष संस्था से आपने O-लेवल, A-लेवल का जो है शैक्षिक योग्यता प्राप्त की है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। समस्त रिक्त पदों केवल महिला अभ्यर्थी का ही जो है इसमें चयन किया जाएगा। आयु सीमा इसमें जो है आप ध्यान दें, हर राज्य में आयु सीमा जो है वो अलग अलग है। झारखंड 38 साल तक के कैंडिडेट उसमें आवेदन कर सकते हैं, और इसमें जो है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है ये, तो 25 से 45 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगे। आरक्षण जो है राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार ही जो है दे होगा। जो पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा दे रहे हैं उस समस्त स्टाफ की जो है आयु 60 वर्ष होगी। कैसे आवेदन करना है ये आप ध्यान दें, यहाँ पर एक अभ्यर्थी से एक पद हेतु एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। दो लिफाफों पर 25-25 रुपए के डाक टिकट लगाकर स्वयं का पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, पिन कोड सहित लिखे और आवेदन पत्र के साथ जो है वो आपको अटैच्ड करना है, ठीक है। तो ये 25-25 रुपए के डाक टिकट जो है ये बिल्कुल आप लगाएं, ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको डाउनलोड करके फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लेनी है सभी, और इसमें जो है संलग्न कर देनी है, दिए गए एड्रेस पर भेज देना है, और ये 25-25 रुपए के डाक टिकट जो है आपको लगाने ज़रूरी हैं। किसी विज्ञापन में जो है देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की हर वैकेंसी में दे रहे हैं, बाकी झारखंड वाली वैकेंसी में नहीं दे रहे थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, विज्ञापन को पूरा पढ़ना है। तो ये जो वैकेंसी है ये भागवत डिस्ट्रिक्ट से है। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी जो है जनपद फिरोजाबाद से है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है, और इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका साइंस टीचर की वैकेंसी है, और ये अनारक्षित EWS के लिए है। 25 से 45 वर्ष इसमें आयु सीमा है। स्नातक के साथ में आप लोगों ने BEd और प्राथमिक स्तर का टेट, उच्च प्राथमिक स्तर का टेट यानी पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। सैलरी सभी में समान ही रहेगी पूर्णकालिक शिक्षिका की। उसके बाद जो है कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है, स्काउट गाइड एवं फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। कंप्यूटर टीचर जो है अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी है इसमें,
अनुसूचित पिछड़ा वर्ग की वैकेंसी है स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा में, ठीक है। और अंशकालिक शिक्षिका की सैलरी जो आप देखें 12,000 से अधिक है। लेखाकार की वैकेंसी है, तो कॉमर्स वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन कर पाएंगी। स्नातक वाणिज्य और एमएस ऑफिस पर काम करने का आपका जो है अनुभव होना चाहिए, डिप्लोमा आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। 13,673 जो है आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। उसके बाद जो है 8th पास जो है सहायक रसोईया, रसोईया, चपरासी और चौकीदार, तो ये सैलरी सभी की अलग अलग है, इसमें केवल 8th पास, ठीक है। और उम्र जो है 25 से 45। समस्त पदों के चयन वर्ष की जो है 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। जो स्टाफ है उसकी आयु 60 वर्ष। तो आप देख सकते हैं कस्तूरबा विद्यालय में पहले से ही कई टीचर कई सालों से जो है इसमें लगे हुए हैं। कुछ जो है जिनकी और भी अधिक सैलरी के साथ जो है जॉब लग जाती है तो यहाँ से जो है पद खाली करके चले जाते हैं। इसी वजह से जो है यहाँ पर एक एक दो दो वैकेंसी जो है वो हर कस्तूरा विद्यालय से आपको देखने को मिलती है। कैसे चयन होगा, तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण, इसका जो है गुणवत्ता अंक, इसके आधार पर जो है आपका चयन होगा। जो चपरासी, चौकीदार, रसोईया, सहायक रसोईया के लिए जो है फॉर्म अप्लाई करेंगी तो इसमें जो है केवल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। अब जो है दोनों का एड्रेस बता देती हूँ। सबसे ऊपर आप लोगों को एड्रेस मिल जाएगा, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही आप लोगों को करना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सिविल लाइन, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, ये एड्रेस है। बागवत डिस्ट्रिक्ट का जो एड्रेस है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बागवत, निकट कलेक्ट्रेट बागवत, उत्तर प्रदेश, ठीक है। दोनों ही के लिए जो है केवल रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करना है, ठीक है। लास्ट डेट ध्यान में रखनी है। तो ये वैकेंसी है समग्र शिक्षा के तहत जो है ये वैकेंसी निकाली जा रही है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में। तो चलिए, और भी वैकेंसी जारी होती हैं, आप लोगों तक सूचना दी जाएगी हर जिले की, हर राज्य की। थैंक यू।